सौंदर्य शास्त्र है, एस्थेटिक्स है, और एस्थेटिक्स में नए का जो महत्व है वो पुराने का ही है। देखिए, सुंदर से सुंदर व्यक्ति भी जिस दिन आप उससे परिचित हो जाएंगे ठीक से, वो आपको सुंदर न बनेगा। ये दुनिया का सबसे मतलब खराब उसूल है। आप देखेंगे पति और पत्नियों के झगड़ों में, विवाह संबंध में बड़ी भारी समस्या क्या आती है, हर फिल्म में वही समस्या है कि विवाह से पहले पति को सारी तिथियां सारे घंटे तक याद रहते हैं। याद है आज ही के दिन एक साल पहले तुम 3:22 पर पहली बार दिखी थी मुझे, तुम स्कूटी पे थी, स्कूटी स्टार्ट नहीं होती थी, फिर मैं था कि मैं स्टार्ट कर दूं, तुमने कहा मैकेनिक ढूंढ रही थी तो मैंने स्टार्ट किया था। उसी समय पहली बार तुम्हें देखा 3:22 मैंने स्टार्ट किया, 3:28 चल रही तुम्हारी, वो तुम 3:29 चली गई थी। नाई का बड़ा अच्छा लगता है, इतिहासकार का मेरा है कितना इतना याद रखता है, क्योंकि इतनी क्रेज है उसको ना। फिर हो गई सहमति बन गई, विवाह हो गया, विवाह के बाद जब कोई उपलब्ध हो जाता है तो उसका महत्व मिट्टी हो जाता है। 6 महीने होते होते नायक को नायिका की प्रभाव हो जाती है, जबकि बन गया क्योंकि मिल गया उसको मिट्टी है, ना मिला वो सोना है, सरल सा सिद्धांत। उस नायिका को शिकायत अभी है कि पहले तो 3:22, 3:28 करते थे, अब तुम्हें यह भी याद नहीं कि आज हमारे विवाह की वर्षगांठ है। आप देखेंगे लगभग हर फिल्म में पति ही भूलता है कि आज एनिवर्सरी है, पत्नी नहीं भूलती कभी। आपने देखी ऐसी फिल्में बहुत सारी, 20 तो देखी होंगी ऐसी फिल्म, नायक ही भूल जाता है क्योंकि नायक की जो केमिकल कंपोजिशन है वो अलग किस्म की, हार्मोन अलग है, नायिका में जो हार्मोन उसका सिक्रेशन हो रहा है वो अलग किस्म का है, तो ये तनाव रहता है। अब साहित्य में इन सब तनावों के लिए बहुत क्रिएटिव एक्सप्रेशंस ढूंढने का प्रयास है। अब नायक को नायिका की तारीफ करें, नायिका को तारीफ पसंद है अपनी, वो चाहती हूँ तारीफ करूँ, क्योंकि विवाह से पहले नायिका का जो मूल्य है बहुत ज़्यादा है, नायक फोकरा टाइप का है, प्लीज प्लीज मैं ये मैं, विवाह के बाद नायिका का मूल्य वहाँ से यहाँ आ जाता है और नायक सड़क पर छोड़ा हो नहीं सकता है कि वो जो सबसे सुंदर लड़की तुम लोग गुलाम नहीं बना पाए उसको, मैंने गुलाम बनाया, उसका मालिक मैं, तब वो इसको बनाया जाता है। इसे नायक रिझाने का हर प्रयास करते हैं विवाह से पहले, और ये केवल मनुष्य में नहीं, लगभग हर स्पीशीज में, विवाह तो नहीं होता लेकिन बाकी स्पीशीज में भी जो प्रस्ताव देने की प्रक्रिया है उसमें पुरुष या नर की भूमिका केंद्र में रहती है। इतने तरीके से प्रस्ताव देता है क्योंकि उसको सरल शब्दों में कहें तो उसको बेसिकली यौन संसर्ग चाहिए, जो प्राकृतिक जैविक मॉडल है हमारा सोसाइटी का वो ये है, और यौन संसर्ग हो जाने के बाद उसकी रुचि खत्म हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा कुछ समय के बाद रुचि खत्म हो जाती है, और स्त्री का प्यार उसके बाद ज्यादा प्रगाढ़ होने लगता है जब संबंध गहरा होता है। ये सामान्य तनाव दुनिया भर में, केवल भारत में नहीं, दुनिया भर में स्पीशीज 10 स्पीशीज इस तरह का तनाव चलता है। बाकी स्पीशीज में कम इसलिए कि वहाँ की माताओं की अपेक्षा नहीं है कि ये परिवार बनाएगा, फिर मिलकर घर बनाएंगे, फिर ये नौकरी करेगा, मैं ये वो सब अपेक्षाएं नहीं है, इसलिए वहाँ दबाव थोड़े से कम है। इसलिए हिंदी साहित्य में, संस्कृत साहित्य में, हिंदी साहित्य में नायक नायिका को रिझाने के 50 तरीके निकालेगा हमेशा। तो सबसे घिसा पिटा तरीका ये है कि तुम चांद जैसे सुंदर, सबसे घिसा पिटा तरीका। आजकल तो हालत यह है कि अगर कोई नायक बोल दे, नायिका इसी में कैंसिल कर देती है कि तूने चांद बोल कैसे दिया। हर आदमी बोल रहा है अपने अपने घर में चांद चांद चांद, मैं भी चांद, तो सारे चांद हो गए, फिर क्या नयापन क्या बचा? कुछ नया होना चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए। तो एक उम्र में नायिका चांद जैसी है, एक उम्र के बाद नायक चांद जैसा हो जाता है। सिर से देखें, अगर नायिका को चेहरे से देखना पड़ता है, नायक को सिर से देखना पड़ता है, तब चंद्रमा उभरना शुरू होता है। और अगर थोड़ा चेहरे पर जैसे कुछ और चीज़ें हों, धब्बे वब्बे हों, मस्से हों, मुहासे हों, तो भी चांद का एक संकेत बन जाता है, अलग अर्थ में बन जाता है, चमक के अर्थ में नहीं, गोलाई के अर्थ में नहीं, बल्कि जो बीच बीच में निशान है उसके अर्थ में। तो लेखक लोग सोचते क्या नया तरीका निकालें, ये शिल्प की सारा अभ्यास है, इसको अलंकार कहते हैं, हम अलंकार समझेंगे बाद में। तुम्हें देख के लगता है कि ये हो गया, तुम्हें देख के लगता है कि तुम तो वो हो, ये जब इस भाषा में बात होने लगे ना,
जैसे एक जगह राम लक्ष्मण से, पहले हम मजाक में कहते हैं कि अगर सौंदर्य की तारीफ बहुत ज्यादा करनी हो, एक क्या है, तुम्हें देखकर लगता है कि साक्षात चांद उतर आया हो, ठीक है, घिसा पिटा तरीका है। इसका अगला वर्जन क्या होता है कि दो भाई छत पे खड़े, चांद निकला और एक भाई कह रहा दूसरे से, देख तेरी भाभी आई है। मैं कह रहा ये कहां भाभी है, भाभी नहीं, अरे ये तो चांद है, अरे एकदम ऐसी दिखती है भाभी भी, अरे कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं। तीसरी स्थिति में भाई कह रहा है देख भाभी आई है, दूसरा भाई कह रहा है मैं पानी लेके आता हूं भाभी के लिए, है चांद। दोनों इतना मुग्ध हैं, दोनों को अंतर समझ ही नहीं आ रहा है। ये सब अलंकार हैं, 150 से ज्यादा तरह के अलंकार होते हैं बात को घुमा फिरा के कहने के। अब नए कवि चाहते हैं कि हम भी कुछ नया कहें, क्योंकि ये पुराना हो गया ना। जैसे नायिका कह रही है उस फिल्म की, किसी और अदा से कहते, घुमा फिरा के कहते तो अच्छा होता। एक अज्ञे कवि हुए, उन्होंने कविता लिखी कलगी बाजरे की, जिसका भाव यह है कि नायक कह रहे कि मैं तुम्हें उपमाएं नहीं दे रहा हूं, तो इसकी वजह यह नहीं है कि मेरे दिल में भाव नहीं आता है, दरअसल ये सारी उपमाएं मैली हो चुकी हैं, इतने लोगों ने इस्तेमाल कर लिया कि मैं क्या तुम्हें ये सब उपमाएं दूं। अगर मैं तुमको ललाते सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, बल्कि केवल यह, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। ये कविता है, तो नए उपमान चाहिए। तो उसमें एक नए कवि ने सोचा कुछ नया कहें, नायिका की सुंदरता की तारीफ करनी है, चेहरा उसका गोल मटोल है उसकी तारीफ करनी है। जब कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा चेहरा रेलगाड़ी के पहिए जैसा है, गोलाई बताना चाह रहा था। और एक कवि हुए केशवदास, केशवदास, केशवदास बहुत मतलब बड़े कवि हैं, अच्छे कवि थे, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं ना कि जब आप ज्यादा मौलिक होने का प्रयास करेंगे, मौलिकता फूट रही है दिमाग के अंदर से, आप लोह कलम लेके बैठे कि मौलिक कविता लिख के ही मानूंगा चाहे जो हो जाए, और मौलिकता आ नहीं रही है दिमाग में, तो कभी कभी ज्यादती हो जाती है। जैसे अभी भी नायिका के साथ रेल का पहिया बना दिया उसको। केशवदास ने कहा, उगता हुआ सूर्य ऐसा लग रहा है मानो, अब मानो के बाद समझ नहीं आ रहा, क्या मानो क्या मानो क्या मानो, जितने मानो होते हैं पहले लिख चुके थे। उगता हुआ सूर्य ऐसा लग रहा है मानो, चढ़्यो गगन तर उधाए, चढ़ता हुआ सूर्य ऐसा लग रहा है मानो, जब नहीं समझ में, तो अंत में क्या लिखा, मानो बंदर का मुंह हो। चढ़्यो गगन तर उधाए, दिनकर वानर अरुण मुख, दिनकर जो है वानर के अरुण मुख जैसा लग रहा है, अरुण और लाल, चढ़ता हुआ सूर्य वैसा ही लाल है जैसे बंदर का मुंह होता है। अब ये पढ़ के क्या फीलिंग आ रही है आपको, कि अगर आप कभी किसी की तारीफ करने चले गए 14 फरवरी को, ऐसी तारीफ करके आ गए तो समझ रहे हैं उसके बाद क्या होगा। सार, सार क्या निकला, सार ये है कि शिल्प का मतलब है कि लेखक ने किस अदा से अपनी बात कही, ठीक।